हम यहाँ पर शहीद स्मारक पर एडिशनल डिग्रीधारी को नियुक्ति नहीं देने पर हम यहाँ सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हम 15 दिन से लगातार सरकार के नुमाइंदे से, मंत्रियों से, विधायकों से हमने अपनी मांग को रखा है और सरकार से हमने मांग की है कि जब एडिशनल डिग्रीधारियों को 70 साल में भी नहीं रोका तो 2023 में क्यों रोक रहे हो। 2023 में तो जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। एक बार तो जो भर्ती रद्द हुई उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें उत्तीर्ण हुए, उसके बाद रीट पात्रता एग्ज़ाम दिया, मेंस का एग्ज़ाम दिया जिसमें सब्जेक्ट के 50% से ज़्यादा क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन सब्जेक्ट के आए हैं, एडिशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद जब हमने डॉक्यूमेंट करा लिए और कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है तो हमारी नियुक्ति क्यों रोकी जा रही है। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी अगर नियुक्ति 2-4-5 दिनों में हो जाएगी तब तो ठीक है, नहीं तो यही लोग चुनाव में आपको मुंह तोड़ के जवाब देंगे और इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा अगले चुनाव में। मेरा नाम जितेंद्र चतुर्वाल है, नागौर सूं। अगर हमें रालोद सरकार ज्वाइनिंग देती है तो मैं वादा करती हूँ कि ये 1500-2000 जो भी एडिशनल वाले हमसे 2 लाख बच्चे 2 लाख परिवार जुड़े हुए हैं तो 19 के वोट हम दो वापस से 2023 में रालोद सरकार को वापस लाएंगे, अन्यथा हम बीजेपी वालों का या अदर पार्टी का साथ देकर हम वापस से दूसरी सरकार को समर्थन देंगे और जिसमें आपका नुकसान होगा। मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमसे ये जो आपने धोखा कर रहा है, ये विभाग ने हमारे साथ जो गलत करा हो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने 2021 में भी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद चलो भर्ती रद्द हो गई, उसके बाद हमने पात्रता क्लियर की अच्छे नंबरों से, उसके बाद में हमने मेंस क्लियर किया। अगर आप हमें एडिशनल कहना चाहते हो, साबित करना चाहते हो, कहीं ना कहीं हमें टैलेंट तो है वो उस चीज़ का जो हम उभर कर बाहर आए हैं कट ऑफ से, अच्छा नंबर लेकर आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने आपने हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया तो हमारे जो 2000 स्टूडेंट्स हैं उनके मित्र, उनके परिवार, रिश्तेदार और उनके पड़ोसी, यानी कि पूरे गांव, तकरीबन आप कैलकुलेट करो कि कितने वोटर पूरा बैंक हो गया हमारे साथ। अगर आपने हमें नियुक्ति नहीं दी इनके साथ में तो कहीं ना कहीं हम आपके साथ में जो हमने आपने हमारे साथ किया कहीं ना कहीं आपको आने वाली इलेक्शन में इसका मुआवजा देना पड़ेगा या फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी योग्यता की अगर हम कदर करें तो कहीं कहीं ना आप हमारी योग्यता और हमारे टैलेंट की भी कदर करें ताकि हम नियुक्ति लें और हमारा जो दुख था 5 साल का वो रातों से लड़े हैं हम उन दिन को, परिवार से कहीं ना कहीं काम किए हमने और फिर हमने पढ़ के यहाँ से निकले हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी तो एक योग्यता थी। तो योग्यता 2018 और 2016 और उससे पहले 12 में ही थी क्या? हमें भी तो कुछ था टैलेंट जो निकल कर हम कट ऑफ से बाहर आए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें नियुक्ति दो, वरना 2000 स्टूडेंट और जो मैंने गिनाया था परिवार, मित्र, गांव, रिश्तेदार, उनका भी कैलकुलेट आप कर लीजिए। हो सकता है कि हमें कुछ नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें हमारी मांग को लेकर के ये कहना है कि पीछे जो 2016 और 18 में जो रीट की भर्ती हुई थी उससे हमारी भर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। हमने प्री भी किया है, इसी के साथ में मेंस भी किया है, दोनों पेपर देके जो आरएस के इक्वल पेपर होते हैं और हमारे कटों में सबसे ज़्यादा नंबर हैं। हमारी इस बात को ध्यान से सुना जाए। हम पेपर देने के बाद में भी पिछले 15 दिनों से यहाँ जयपुर में पढ़े हैं, एक बेरोजगार लोग हम। पहले हमने कोचिंग में पढ़ के हमने पैसे लगाए, वहाँ पर तैयारियाँ की और उसके बाद में आज हम जयपुर के अंदर इधर से उधर भटकने में 200 में से कम 110 MLA के पास हम जा करके दर दर भटक चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी के पास में हम 5 बार जा चुके हैं, उनके पास में ज्ञापन दे दिया। हाँ, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और इस प्रकार से हमारे जो ज्ञापन फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिए जाएंगे तो हम भी आपके आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार 80 लाख जो वोटर हैं वो युवाओं के हैं और जब युवा आपसे नाराज होगा और युवा को आप इस प्रकार से नाराज करते रहेंगे तो युवा की इस प्रकार का जो विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। जब हमें हमारे समय पे नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम बताओ निराश तो होंगे और हम उम्मीद करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि समय रहते हुए हमें आचार संहिता लगने से पहले पहले आदेश जारी करके और हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। बार युवाओं के साथ ही अन्याय क्यों? कि हमने जो तैयारी नहीं करी, हम मेहनत नहीं करते हैं, हर वर्ग का आप ध्यान रख रहे हो और युवाओं का ध्यान नहीं रख रहे हो। हमने फ्री दिया, मेन दिया 2000 उसमें 21 में भी जॉब आपने उसको रद्द कर दी 2021 की वैकेंसी को, उसको भर्ती को। उसके बावजूद मेरे बहुत अच्छे नंबर थे उसमें, मेरे को बहुत डिप्रेशन में जाके फिर बाद में मैं बहुत हिम्मत करके फिर मैंने तैयारी करी, अब भी बहुत अच्छे नंबर है मेरे, फिर भी ये जो हमारे जो कहीं हम नियुक्ति नहीं दी जा रही है हमको।